नमस्कार, आप देख रहे हैं दंगल। मैं हूं गौरव सावंत। उत्तर प्रदेश में चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर का दाव एक बार फिर चला है और इस बार शुरुआत उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने की है एक ट्वीट करके। केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा है कि अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। जय श्री राम, जय शिव शंभू, जय राधे कृष्ण। इस बीच 6 दिसंबर को मथुरा में हिंदू महासभा ने श्री कृष्ण कार सेवा करने की भी घोषणा की है और इसके मद्देनजर प्रशासन न केवल अलर्ट है बल्कि 144 धारा भी लगा दी गई है। ऐन चुनावों से पहले मथुरा का मुद्दा गरमाने की कोशिश पर विपक्ष हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश का आरोप लगा रहा है भारतीय जनता पार्टी पर। कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम ने तो इसे मस्कुलर हिंदुत्व की संज्ञा भी दे दी, लेकिन क्या मथुरा का जिक्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण की रणनीति का प्रयास है? दंगल आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद पहला चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा है, लेकिन चुनाव में अयोध्या की झांकी के बीच बीजेपी ने मथुरा का मुद्दा छेड़ दिया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया, अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। ट्वीट में उन्होंने हैशटैग भी डाले, हैशटैग जय श्री राम, हैशटैग जय शिव शंभू, हैशटैग जय श्री राधे कृष्ण। अयोध्या और काशी के बाद मथुरा की बारी है, ये तो हमारे एजेंडा में है, इसमें क्या बुराई है? और हमारा हिंदुत्व का देवस्थान है, कृष्ण भगवान हम सबके भगवान थे और वही एक ऐसे भगवान है जिन्होंने हस्तलिखित गीता बनाई है, तो इसलिए उसी का आधार देश चलता है, उसी के आधार प्रदेश चलता है, उसी के आधार विश्व चल रहा है। इसलिए मथुरा की बारी कोई अतिशयोक्ति थोड़ी है, ठीक है, उन्होंने सही कहा है, बिल्कुल एकदम सही कहा है। मथुरा पर केशव प्रसाद मौर्य का बयान ऐसे समय में आया है जब हिंदू महासभा नाम के संगठन ने 6 दिसंबर को श्री कृष्ण कार सेवा का ऐलान किया है। जय श्री कृष्णा। समस्त देशवासियों से मेरा अनुरोध है कि आगामी 6 दिसंबर 2021 को श्री कृष्ण कार सेवा में अधिक से अधिक कृष्ण भक्त पधारें। 6 दिसंबर को हिंदू संगठनों के कार्यक्रम के मद्देनजर एक ओर मथुरा प्रशासन अलर्ट पर है और धारा 144 लागू की गई है, तो दूसरी ओर केशव प्रसाद मौर्य का बयान राजनीतिक तापमान बढ़ाने वाला है। दिस गवर्नमेंट्स एजेंडा इज टू कीप ऑन प्लेइंग अप इट्स फॉर मस्कुलर हिंदुत्व एजेंडा एंड वांट्स टू कीप द पीपल ऑफ अदर फेथ्स अंडर चेक and always under a constant threat. So this is a larger agenda. Ayodhya is only the beginning. It is not the end. प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पर आज तक ये नींव नहीं भर पाए मंदिर की। क्यों नहीं भर पाए? उसकी वजह ये है कि 5 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदते हैं, चंदा चोरी करते हैं लोग। और काशी में क्या किया इन्होंने? जाके वहां संतों से, महात्माओं से, वहां के स्थानीय लोगों से पूछिए, सैकड़ों मंदिर तोड़ने का काम किया इन्होंने, पाप किया इन्होंने मंदिरों को तोड़ने का, इनको प्रभु माफ नहीं करेगा कभी। काशी में मंदिर तोड़ते हैं, अयोध्या में चंदा चोरी करते हैं। हिंदू संगठन मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद को कृष्ण जन्मभूमि परिसर में होने का दावा करते हैं। मस्जिद को वहां से हटाने के लिए मथुरा की अदालतों में मामले चल रहे हैं। इसी बीच कृष्ण जन्मभूमि के जरिए नए राजनीतिक दाव के संकेत मिल गए हैं। आज तक ब्यूरो।